पुनाणा तहसील के अंदर नेता तो कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है, सबने भ्रष्टाचार किया हुआ है। अब ये रोड देखो, ये रोड दिखाओ, एक बार दिखाओ, हटो भाई। इस बार जो गांव का माहौल है उसमें रहीसा ज्यादा है, दूसरे नंबर पर इलियास है। हमारे रहीसा खान 60% वोट ले रहे हैं गांव नेहरा से, और बाकी 3 कैंडिडेट और भी हैं, बाकी उनके लिए जा रही है, दूसरे नंबर पर इलियास आ गया। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ लगातार डीटीवी का कैमरा गांव गांव जाकर लोगों से बातचीत करके उनको आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये पुनाणा विधानसभा का गांव नेहदा है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नौजवान और बुजुर्ग सभी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ इस गाँव में कौन का ज्यादा समर्थन है, कौन को ज्यादा वोटें मिल सकती है, कौन यहाँ ज्यादा मजबूत है, वो सारी बातें करेंगे। भैया यहाँ पहले उनसे बात करते हैं, क्या नाम है जी? जी मेरा नाम शकील अहमद है, शकील अहमद, और मैं गांव नेहदा से बात कर रहा हूं। हमारे गांव में जो पिछला जो समीकरण था उसमें हाजी सुबान खान को ज्यादा वोट मिली थी, लेकिन इस बार जो जो गांव का माहौल है उसमें रहीसा ज्यादा है, दूसरे नंबर पर इलियास है। रहीस खान अभी इस गांव में ज्यादा अच्छा, वो इस वजह से कि सुबान खान के जो वोटर थे वो हाँ, वो सारे जो करंट सरपंच है वो भी, और एक सरपंच, दो पूर्व सरपंच है वो भी रहीसा के साथ में है, पहले वाले भी, और जो करंट सरपंच है वो भी रहीसा के साथ में है। इस लगभग कितने वोट है उनके? लगभग हमारे गांव में 2900 के करीब वोट हैं, जिनमें से 700 करीब इलियास को वोट मिल जाएंगे, बाकी 1400-1500 करीब रहीसा को, बाकी फिर दया भडाना भी है उनको भी 150 वोट उनको मिलेंगे, और कैंडिडेट आ जाते हैं उनको मिलेंगे। कांग्रेस वोट देंगे जी, आप बताएंगे जी? हाँ जी, उनको कांग्रेस सरकार चाहे, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार चाहो। अच्छा, अब बता दे होगा क्या? अच्छा चलो, आपसे कम ना हो गया, बता दे कौन पार्टी। हमारे रहीसा खान 60% वोट ले रहे हैं गांव नेहदा से, और बाकी 3 कैंडिडेट और भी हैं, बाकी उनके लिए जा रही है, दूसरे नंबर पे इलियास आ गया। दूसरे नंबर पे इलियास, पूरे इलाके का क्या लग रहा है आपको? रहीसा एमएलए बन रहे हैं 100%, बाबा नो करो इलियास ज्यादा कांग्रेस की हवा है, आप कर सकते हो, तहकीक आदमी कर सकते हो, रहीसा सबसे ऊपर है। गांव में कितने वोट मिल जाएंगे 60% में? लगभग कितने होते हैं 60% में? हमारे गांव में 1400-1500 वोट इसकी है, बाकी और मजबूती की देसी बात है। यहाँ से तो कांग्रेस को उम्मीद है जिसको टिकट मिल जाए, और यहाँ के अंदर के जो नेहदा के जो अंदर का जो रास्ता है वो भी दिखाओ। ये एक मीडिया की एक हक बनता है, कोई भी दिक्कत हो तो उसको दिखाना चाहिए, ये नहीं कि आप उम्मीदवार है कौन क्या। भी आचार संहिता लगी हुई है, नेता भी आपसे वोट मांगने आएंगे, लेकिन आप लोग क्या उनसे सवाल करेंगे, मैं वो भी तो जानना चाहूंगा। नेता वोट मांगने आएंगे, लेकिन वोट ही मांगने आएंगे, वो काम हल नहीं करेंगे। तो आपका भी तो दायित्व बनता है, आप उनसे सवाल करें ना, जो 5 साल रहे हैं जिन्होंने, वो आएंगे बीच में, तभी हम उनसे सवाल करेंगे, वो आप वोट मांगने आएंगे, वोट मांगने में क्या सवाल करेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। वोट वोट लौटा का भी ऑप्शन होता है अगर आप, बिल्कुल ऑप्शन है उनका भी, हमारा भी हक बनता है वोट देने का, उनका भी हक बनता है काम कराने का। हेलो रहीसा, आप कांग्रेस की वोट कर रहे हो, कांग्रेस को पसंद कर रहे हो, 5 साल विधायक भी अभी कांग्रेस का मौजूद विधायक है, क्या क्या आगे करवाया? एक विधायक ने कुछ भी नहीं कराया, हम अब तो इस क्यों पसंद कर रहे हो? पसंद तो हम किसी को नहीं कर रहे, हम पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को, उसके लिए हम वोट दे रहे हैं जिसने इस हिंदुस्तान के अंदर नफरत का बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, उसको हम पसंद कर रहे हैं, और किसी को कोई पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। आगे आने वाले टाइम बताएगा, सरकार कांग्रेस की आएगी तो काम होगा या नहीं होगा, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, अभी तो बीजेपी की सरकार है, उसने तो काम करा ही नहीं, यहाँ कोई बीजेपी का कोई लीडर आया, कोई नहीं आया, आने वाले टाइम में पता लगेगा। चलिए, लगातार आप हमारे साथ देखते रहे, आप भी बताएंगे भैया, कोई बात नहीं। चलिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भाई है, उन्होंने कहा कि मुद्दे क्या हैं। अगर यहाँ मुद्दों की बात करें तो यहाँ हर एक बात मुद्दा है, यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं वो भी एक मुद्दा बनी हुई है। यहाँ पानी लोगों तक पहुँचना अपने आप में बड़ी बात बनी हुई है, लोगों को बिजली पूरी मिलना, एक समय पे मिलना, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात बन चुकी है। तो यहाँ अगर मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दा नहीं है, लोगों के सवाल बहुत जरूर बनते हैं और लोगों के सवाल होने भी जरूरी हैं, लेकिन यहाँ के अगर बात करें, हालात करें, तो यहाँ के हालातों पर अगर एक बार नजर डालें
को बहुत सारी समस्याएं हैं, आम जन की जो समस्याएं चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सारी समस्याएं उनकी ऐसे जिसके तरह से नेता बनते हैं, विधायक बने हैं यहाँ से, लेकिन विधायक बनने के बाद यहाँ नजर नहीं आते। ऐसे लोगों को कहना है कि 5 साल में कोई नजर भी नहीं आया। चलिए लगातार देखते रहे, आप कैमरा पर्सन इस्माइल मंदान के साथ, मैं आपका अपने जो बोली डीटीवी न्यूज के साथ, धन्यवाद।